बनाएंगे चिकन टिक्का मसाला। इसके लिए मैंने बोनलेस चिकन लिया, लगभग 1 kg होगा। इसमें मैं 1 tablespoon निचोड़ा पानी निचोड़ के मैंने 1 tablespoon ये गार्लिक पेस्ट दे रही हूँ। 1 tablespoon मैं अदरक पेस्ट दे रही हूँ। ये इससे भी जो एक्सेस पानी था वो मैंने निकाल लिया। इसके साथ मैं दही ऐड कर रही हूँ। ये भी एक्सेस जो पानी है उसको मैंने निचोड़ लिया। 2 tablespoon मैं दही ऐड कर दूंगी। इसके साथ मैं लाल मिर्च पाउडर 1 teaspoon डाला, चिकन तंदूरी मसाला ये भी 1.5 teaspoon में डाल रही हूँ। हाफ टी स्पून में गरम मसाला डाल रही हूँ। ऑयल मस्टर्ड ऑयल 1 teaspoon और थोड़ा सा लगभग आधा टीस्पून और डाल दिया। नमक डालूंगी एज पर टेस्ट, आप लोग देख लेना। ये फिर इसको मिक्स करेंगे बहुत अच्छे से। इसको मिक्स करके 1 hour मैं रख दूंगी। फिर इसको ढक के मैं 1 hour तक रख दूंगी। फ्रेंड्स, चिकन टिक्का मसाला के लिए मैं 2 teaspoon ये पॉपी सीड्स ले रही हूँ, जिसको आप खुशखुश भी बोल सकते हो। 2 teaspoon ये लिया। खरबूजा के बीज ये 2 teaspoon लूंगी। और काजू 5-6 मैं ले रही हूँ। इसको मैं पेस्ट कर लूंगी। पेस्ट करके ये बाद में हम लोग जब मसाला बनाएंगे तब बाद में ये डालूंगी। आफ्टर 1 hour ये मैरिनेटेड चिकन को मैं एक एक करके उठा के फ्राई करूंगी। ये पैन में मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल के मैंने गरम कर लिया। इसमें एक एक करके मैं फ्राई कर लूंगी। और ये जला हुआ जैसे होता है ना तंदूरी वाला, वैसे करके हम लोग करेंगे। इसीलिए ज्यादा ऑयल मैंने नहीं डाला। एक एक करके देखिए सारा मीडियम फ्लेम में फ्राई करूंगी।
वन साइड हो गया है, मैं फिर दूसरे साइड पलट दूंगी ऐसे करके। मैं ये बोनलेस कर रही हूँ। अगर आप वीट बोन चिकन करते हो तो इसमें ना थोड़ा वन नींबू इसको नीचे के पानी निकल के मतलब नींबू का रस दे देना मैरिनेट के टाइम। देखिए सारा वन साइड ये ऐसे फ्राई हो गया है, इसीलिए सारा मैं पलट दिया। थोड़ा ये देखिए ऐसे जला हुआ होना चाहिए। देखिए ये हो गया है, ऐसा कलर जब हो जाएगा ना मतलब जला जैसा ऐसा जब हो जाएगा फिर इसको हम निकाल देंगे। दोनों साइड ये हो गया है। ये मेरे को तंदूरी हो गया है, इसका भी बोल सकते हो चिकन टिक्का रेडी। इसका मसाला मैं रेडी कर दूंगी, उससे पहले दूसरा बैच भी फ्राई कर लेती हूँ। करके सारा निकाल दूंगी। इसमें थोड़ा थोड़ा सा ही पैन में ऑयल डालना है, इससे ज्यादा नहीं। देखिए सारा चिकन का टिक्का मैंने ऐसे करके फ्राई कर लिया। अभी मैं कढ़ाई में 3 टेबलस्पून ऑयल गरम करके उसमें 6 बारीक कटा हुआ फाइन चॉप्ड ऑनियन मैं डाल देती हूँ फ्राई करने के लिए। ब्राउन होने तक हम लोगों को फ्राई करना है। देखिए ये ब्राउन हो गया है अभी, तो इसमें मैं अभी 1 टीस्पून जिंजर पेस्ट डाल रही हूँ। गार्लिक पेस्ट भी पहले तो चिकन में मैं मैरिनेट करने के टाइम डाला ही था, अभी भी मैं 2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। ये थोड़ा ज्यादा डाला इसलिए क्योंकि वो मेरा जो जिंजर पेस्ट था वो उसमें पानी नहीं था बिल्कुल, वो पानी नीचे होते ही मैं रखती हूँ। अब पानी रहे तो उसमें तो 2 टीस्पून डाल। अभी इसमें एक एक करके मैं सारा मसाला डाल दूंगी। ऐसे 1 टीस्पून मैं लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैं डाल रही हूँ। तंदूरी मसाला पहले भी मैं चिकन में डाली थी, अभी भी मैं 1 टीस्पून डालूंगी। और गरम मसाला 1/2 टीस्पून मैं डाल रही हूँ। ये मसाला जल जाएगा इसीलिए थोड़ा सा मैं पानी मिक्स कर रही हूँ, थोड़ा सा, नहीं तो मसाला जल जाएगा। फिर धीमी आंच में बिल्कुल लो फ्लेम में मैं इसको पकाऊंगी, बिल्कुल लो फ्लेम में इसको मैं पकाऊंगी जब तक ये ऑयल ना छोड़े। देखिए मसाला से ऑयल छोड़ दिया है। अभी मैं इसमें दही लगभग 100 ग्राम दही ऐसे फेंट के डाल दूंगी। और इसमें मैंने नमक नहीं डाला था इसीलिए सॉल्ट एज पर टेस्ट आप डाल लेना। मैं 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ, आप ये आपके हिसाब से डालना। फिर से मैं इसको धीमे आंच में पकाऊंगी जब तक ना फिर से ऑयल छोड़े।
मसाला से ऑयल भी छोड़ दिया है फिर से मैंने जो वो काजू और पॉपी सीड और खरबूजा के सीड का पेस्ट किया था ना, ये मैं डाल दूंगी अभी, फिर से इसको पकाऊंगी। फिर से ऑयल जब तक ना छोड़े हम लोग पकाते जाएंगे धीमे आंच में। देखिए ये फिर से ऑयल छोड़ दिया है, इसमें मैं पानी ऐड कर दूंगी। ये सारा जो मैंने पेस्ट किया था ना उसका मिक्सर ग्राइंडर में जो था मसाला उसका ही धो के मैं पानी यूज कर रही हूँ, इससे टेस्ट और भी बढ़ जाता है। इतना पानी मैं ऐड कर रही हूँ। ये आप ग्रेवी के हिसाब से आप पानी ऐड कर देना, आप कितना ग्रेवी रखना चाहते हो वो देख के। देखिए ऐसा होगा, फिर ये थोड़ा बॉयल हो जाए फिर हम लोग चिकन ऐड करेंगे। देखिए ये बॉयल हो गया, इसमें मैं अभी चिकन ऐड कर दूंगी। ये देखिए सारा चिकन मैं ऐड कर दूंगी और बिल्कुल लो फ्लेम में ये पकाऊंगी। फिर मिक्स करूंगी ऐसे करके, लगभग 5 मिनट्स तक लो फ्लेम में मैं ये पकाऊंगी तो फिर रेडी हो जाएगा। 5 मिनट्स तक इसको बिल्कुल लो फ्लेम में पकाऊंगी। देखिए ये हो गया है आफ्टर 5 मिनट्स। अगर आप विद बोन लेते हो ना तो ये ज्यादा देर तक बॉईल करना फिर से चिकन देके। और मैं ये हो गया है तो इसमें मैं रोज वाटर 1 टीस्पून मैं ऐड कर रही हूँ और फ्रेश क्रीम। टीस्पून मैंने ऐड कर दिया। देखिए ये हो गया है। आप लोग अब जितना ग्रेवी रखना चाहते हो ना उसी हिसाब से पानी ऐड कर देना। देखिए ये रोज वाटर एंड क्रीम फ्रेश क्रीम डाल के हम लोग गैस बंद कर दिया, फिर इसको मैं सर्व कर दूंगी।